हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु जी एग्जाम सेंटर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो दोस्तों हम लोग यहां पर भारतीय संविधान से संबंधित टेस्ट लगाएंगे, पर आपका जवाब पूछा गया पहले प्रश्न का, कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार अर्थात आपके जो मूल अधिकार होते हैं ये आपके हो जाएंगे कौन से, तो बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेके 35, 12 से लेके 35 तक आपके क्या हैं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं जो कि आपके अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो बालकों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद आपका है कौन सा, तो सी नंबर आपको हो जाएगा, बिल्कुल सही है सी नंबर आपका, जो 24 अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के शोषण नहीं होना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा कि घर के अंदर अगर माँ पिता हैं वो किसी प्रकार का काम करा रहे हैं तो ये शोषण के अंतर्गत नहीं होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना जो सिद्धांत था बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल संरचना का जो प्रतिपादन किया गया था वो किस मुकदमे में किया गया था। यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, ठीक है, मेहनत से बना रहे हैं और मेहनत मतलब यही है कि एग्जाम के समय जो भी हम प्रश्न लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे, वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण ही प्रश्न होंगे, वहां से आपको प्रश्न मिलेंगे तो मिलेंगे। यहां पर आपका दिया गया है 4th नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। चलिए जवाब दीजिए, यह आपके मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, ये आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब 4 का बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट अर्थात आपका जो उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, ये आपका होता है। अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत आपके सभी मौलिक अधिकार कह सकते हैं कि आपके उसके अंदर रहते हैं, ठीक है, अर्थात उसका रक्षा करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो आपको पता है कि पहले मौलिक अधिकार आपके 7 हुआ करते थे, वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हुए हैं, तो इनमें से 7वां मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, इसको कह सकते हैं कब हटाया गया, इसे हटाया गया था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 1978 में जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, उसके तहत आपके जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटाकर कह सकते हैं विधिक अधिकार में आपका रख दिया गया था, कानूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया। संविधान के किस जो प्रावधान था जिसमें अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया था, छुआछूत का उन्मूलन किया गया, खत्म किया गया, ये आपका कौन सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17, और याद रखिएगा कि किसी प्रकार का आपातकाल लगता है तो ऐसी स्थिति में आपके मौलिक अधिकार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका अनुच्छेद 21 कभी भी नष्ट नहीं होता है, साथ में कभी कभी ऑप्शन आपका 20 भी होता है, तो 20 और 21 आपके कभी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। किस अधिकार को हटाया गया है, 7 का जवाब दीजिए, 7 का जवाब यहां पर जवाब हो जाएगा सी, ये आपका है संपत्ति का अधिकार, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता अर्थात यहां पर देख सकते हैं कि सबके लिए समान, यहां पर कानून होगा, यहां पर सी नंबर अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में सबके लिए समान आपको कह सकते हैं कानून होता है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं शब्द आपसे पूछा है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम जो कि अनुच्छेद 23 है, सही है क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 में आपका प्रावधान दिया गया है, यहाँ पर मानव है अर्थात 23 को भी है, सिर्फ बालक होता तो आपका 24 होता, तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो आपका 29 है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये भी सही है। और अगला है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो याद रखिए ये आपका गलत हो जाएगा, ये अनुच्छेद आपका 30 होता है ना कि 31। तो ये 31 है क्या, तो 31 में जो आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था वही संपत्ति को हटाया गया था अनुच्छेद 31 से। ओके,
कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का संरक्षक कौन है? संविधान के मूल अधिकारी के जो संरक्षक होता है कौन होता है? यहाँ पर 10 का जवाब ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, आपका सुप्रीम कोर्ट अर्थात आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो भाई संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? अभी हमने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार है या आपका वैधानिक अधिकार है, कैसा है भाई? ऑप्शन आइटम का बी, आपका वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार किसमें होता है? आपका कूट शब्द दिया है, और आपके समानता का अधिकार होता है 14 से लेकर आपके 18 तक। तो यहाँ पर एक तो आपको ये मिल रहा है और एक आपको ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो इसका अनुसार मतलब हो जाएगा 2, 3, 4। देखते हैं कोई जवाब है 2, 3, 4, तो ऑप्शन राइट आपका सी 2, 3, 4 आपका हो जाएगा। ओके चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित नहीं है। देखते हैं, पहला आपका पॉइंट आपका दिया गया है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाला श्रम का प्रतिबंध, सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। 29 है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये जो आपका है अनुच्छेद 30 में होता है, तो इस प्रकार से आपका ये गलत हो जाएगा डे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, अगर कोई भारत में अगर विदेशी नागरिक है तो वो किस बात का दावा नहीं कर सकता है? तो यह यहाँ पर देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार आपके विदेशियों को नहीं दिया गया है, याद रखिएगा ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? 15 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी, धर्म की स्वतंत्रता से। याद रखिएगा कि धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, और जो आपके सिख लोग होते हैं उनको कृपाण धारण करने की जो परमिशन मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखो अभी हमने वही प्रश्न बताया, और इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका बी, अनुच्छेद 25 हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको कूट दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उपाधियों का निषेध कुछ प्रकार से देख सकते हैं, हाँ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर कह सकते हैं किस प्रकार से मिलान करें 17 में, तो कह सकते हैं कि जो आपका उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत किया गया है आपके तीसरे से, ये आपका 3 हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, और कह सकते हैं तो अच्छा इसको अगर ना लगाएं तो इसको पहले देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका 21 के कम है। फिर आपके अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो 26 नंबर आपका है, 26 नंबर, तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता और यहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो इसका आपका ये हो जाएगा, इसका आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कह सकते हैं 1, तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन राइट आपका देखो डी नंबर आपका मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो भाई स्वतंत्रता का अधिकार जो आपके है ये आपके मौलिक अधिकार में दिया गया है आपके अनुच्छेद 19 से लेके आपके 22 तक। ठीक है, तो जवाब 18 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर, अनुच्छेद 19 से 21 तक। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो भाई शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था आपके ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो मूल अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है, देखते हैं यहाँ पर जवाब क्या होगा 20 में, तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है, 20 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है, तो भारतीय संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो जो प्रदान की गई है वो की गई है किसमें, तो अनुच्छेद ऑप्शन राइट आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, मस्त तैयारी हो गई है आपकी। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है, तो यहाँ पर गैर नागरिक अर्थात जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी यहाँ पर कह सकते हैं कुछ अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार आपका कौन है 22 में, तो देख सकते हैं
कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं दी गई है, देश के किसी भाग में घूमने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, संपत्ति अर्जित करने की दी गई है, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से 22 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, विदेशी नागरिकों नहीं है 23 में, तो यहाँ पर आपका जवाब 23 का ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार ही आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखो यहाँ पर 22 नंबर, 22 में आपको कन्फ्यूजन होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, और यहाँ भी दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आपको ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना होता है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर आपका है संवैधानिक निराकरण का, तो ये आपका यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर वही प्रश्न आपका है, लेकिन यहाँ पर गलत किया गया है। तो मतलब ऐसा होता है कि आपको प्रश्न के अनुसार जवाब सटीक देना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अभी हमने आपको बताया था कि ऐसा आपका मूल अधिकार होता है, ये आपका कौन सा है 24 में, तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, तो निश्चित अनुच्छेद 21 को कभी भी समाप्त नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर वी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट डी नंबर अनुच्छेद जो आपका दिया है 32, अनुच्छेद 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो कि आपका छठा मूल अधिकार है, तो ये आपका कह सकते हैं अनुच्छेद 32 होता है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि ये आपकी संविधान की आत्मा है, वैसे आपका प्रस्तावना होती है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रसिद्ध करता है, यहां पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अनुच्छेद 24। जो लोग आते जाएंगे वो लोग अपना वीडियो लाइक करते जाएं और पढ़ते जाएं। ठीक है, चलिए प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं ये लिए गए आपके, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं कहाँ से, आपके आयरलैंड से, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो याद रखिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और मौलिक अधिकार हैं इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए, तो ये तो बात कोई बड़ी नहीं, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, ये भी आपका नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, यहाँ पर सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या हो गई कि नीति निर्देशक प्रवर्तनीय मतलब कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व तो अगर आपके कह सकते हैं फॉलो अगर नहीं होते हैं, या कह सकते हैं अगर किसी ने कहा और इनका पालन नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अर्थात ये अबाध्य योग होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो अबाध्य योग होते हैं और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो वाद्य योग होते हैं, अर्थात बोलने के योग्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और भारत की विदेश नीति से संबंधित जो आपका यहां पर आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है, 3 का जवाब दीजिए यहां पर साथियों सभी लोग, 3 का ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद जो 51 है ये भारत की विदेशी नीति से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ 51 की बात कह रहा है, 51 की फर्स्ट नहीं कह रहा है, 51 का नहीं कह रहा है, सिर्फ अनुच्छेद 51 की बात कह रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है, तो यहां पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का जो गठन आपका है यहां पर देख सकते हैं यह आपका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर 5 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद जो आपका 51 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली जो आपकी है, ये आपकी प्रणाली जो है ये आपकी किसके अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल आपकी जो 40 है ये किसके अंतर्गत आया है आपके, तो ये आपका आया है किसके, 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, अर्थात 36 से लेकर जो आपके 51 तक होते हैं, तो ये आपके आते हैं किसके अंतर्गत, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो उद्योग के प्रबंधन में जो कर्मकारों की भागीदारी है इसका जो प्रावधान किया गया है ये जो आर्टिकल है अनुच्छेद 43 के फर्स्ट में दिया गया है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, और ये जो आपका आता है या कि किसके आर्टिकल में या कह सकते हैं किसके अंतर्गत, तो यहां पर याद रखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत या तत्व के अंतर्गत आपका आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व है तो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व जो कि अभी हमने बताया था कि जो आर्टिकल आपके हैं स्टार्ट होते हैं, और यहां पर देखिए आर्टिकल ये जो आपका समान नागरिक संहिता है ये आपके आर्टिकल 44 में आता है, और जो आपके आर्टिकल आपके 36 से आपके जो 51 तक होते हैं वो आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें देखिए कहाँ आ रहा है, तो आपके किस में आ रहा है, नीति निर्देशक तत्व में आता है समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो और ये देखिए स्वतंत्रता समानता धर्म की स्वतंत्रता ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं, बल्कि ये क्या है तो नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल आपका 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, आर्टिकल दिया है जो कि 40, और आर्टिकल 40 होता है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 होता है काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 होता है समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है वर्तमान में, और अनुच्छेद 48 जो कि कृषि एवं पशुपालन का गठन करना, अर्थात जो ऑप्शन आपका दिया गया था आत्म मिलान जो दिया है बिल्कुल सही दिया है, सटीक दिया है, और 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये याद रखिए अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है, ये आर्टिकल रट लीजिएगा, ठीक है, कसम खा लीजिए कि अनुच्छेद 48 कभी नहीं भूलोगे। तो समान कार्य के लिए समान वेतन अर्थात चाहे स्त्री हो या पुरुष हो अगर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो सबके लिए वेतन समान होगा, ऐसा नहीं है कि अगर लड़की अगर उस पोस्ट में है और लड़का भी उस पोस्ट में तो लड़की कम काम करेगी या कुछ भी हो तो उसमें से उनका वेतन में डिफरेंस किया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। तो अनुच्छेद 39 में दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, और ये जो आपका आता है अनुच्छेद 39 वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अर्थात सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है तो मध्य का निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य है समान वेतन, ये तीनों तो आपके इसमें हैं लेकिन सूचना का अधिकार इसमें से सम्मिलित आपका नहीं है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, अभी हमने आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपके सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चिक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है, और ये जो शब्द कहा था वो आपकी कहा था ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा डी नंबर, आपके केटी शाह ने कहा था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको जो कि हैं आपके मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए ये जो आपके शामिल किए गए ये आपके किसकी संस्तुति पर?
ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आपके संस्थिति पर आपके शामिल किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो कि 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, अर्थात मूल कर्तव्य पहले आपके संविधान में नहीं था, ये एडिट किया गया और 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है ना। अनुच्छेद कह सकते हैं अनुच्छेद 51 के ए में, ठीक है, 51 के ए में शामिल किया गया। और ये जो आपका आता है ये भाग चार के का में आता है, ठीक है, भाग चार के का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर शामिल किया गया है। समझ में आ गया ना, मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके सोवियत रूस से, अर्थात रूस से, ठीक है। समझ में आया कुछ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल हो। तो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण ये जो आपका है अनुच्छेद 51 के आपके काम में सम्मिलित है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है याद रखिए वर्तमान में कितनी है आपकी, तो आपकी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये 11वां मौलिक कर्तव्य, देखो क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे, तो पहले 10 थे। ये 11वां मौलिक अधिकार कौन सा है, मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके माता पिता अभिभावकों को विद्यालय तो पहुंचाया जाएगा लेकिन इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये बात इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। अभी हमने बताया मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था वो 1976 में शामिल किया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन था जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने एक पॉइंट बताया और उसी में आपको मिल गए 5 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में। समझ में आया। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करने एक क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। हमने बताया था मौलिक कर्तव्य जो आपके थे किस में आपके हैं, तो भाग चार के का में हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे भी इजी लगेगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है ये पूछा है, देखते हैं। कह रहा है भाग सेकेंड नागरिकता है, ठीक है, भाग तीन मूल अधिकार है, ये भी सही है, भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग पांच दिया है मूल कर्तव्य। तो देखिए भाग पांच में दिया है आपका जो राष्ट्रपति हैं, ये तो आपके नहीं है, मतलब कह सकते हैं केंद्र जो आपकी है वो भाग पांच में आता है। जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य चार के फर्स्ट में आता है, चार के का में आता है ना, तो गलत कौन है, डी नंबर आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आपको मिलेंगे, ठीक है, धांसु आपका टेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पर है, और एक बार पढ़िएगा किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप जोड़ेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा और ज़्यादा क्लासेस देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, सभी को राधे।